नमस्ते बच्चों, जीडीए मुश्किल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, आपने पहले ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो ऑफलाइन में अपना जो चैप्टर 8 चल रहा था उसमें 8.3 चल रही थी, तो 8.3 में अपने 5 क्वेश्चन अपने कर लिए थे। ठीक है, 5 कर लिए थे। छठा क्वेश्चन आपके उसी एक्सरसाइज का है, 8.3 का ही है। मैं ब्लैक बोर्ड में सोल्व करके बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं कल पढ़ के बताऊंगा, समझा दूंगा, उसके बाद क्या बुक सबके पास में, तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखा है, जूही एक वॉशिंग मशीन 1350 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, यानी जूही ने एक वॉशिंग मशीन बेची है और उसको 15% की 20% की हानि हुई है, तो उसने वॉशिंग मशीन कितने रुपए में खरीदी, यानी खरीदने का मूल्य निकालना है। अब उल्टा करना, क्रम मूल्य निकालना है, तो आपको विक्रम मूल्य दे रखा है, विक्रम मूल्य आपको दिया हुआ है 1350 और हानि आपको दे रखी है 20%। ठीक है, तो क्रय मूल्य नहीं दे रखा, तो इसमें आपको क्रय मूल्य को 100 मानना पड़ेगा। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए मान लिए। ठीक है, वॉशिंग मशीन का मूल्य 100 रुपए, तो 100 पे का 20% निकालेंगे, 100 × 20 बटा 100 से 100 पूरा कट गया, 20 आ गया, ये आपके हानि आ गई। यानी 100 रुपए की चीज को 20 रुपए हानि हो रही, कितनी हो रही है, 100 रुपए की चीज है उस पर 20 रुपए की हानि हो रही है, तो आपको विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये तो विक्रय मूल्य आपके आ जाएगा 100 - 20 ₹80 आ गया। विक्रम मूल्य आपके पास में ₹80 आ गया। अब आपको क्या विक्रम मूल्य आ गया, ये भी विक्रम मूल्य हानि दे रखी है, तो अब इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, तो 80 ऊपर लिखेंगे। देखो हमें क्या निकालना है, क्रम मूल्य निकालना है, तो क्रम मूल्य निकालना है तो आपको 100 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 80। ठीक है, और इंटू में आप कर देंगे 13,500, 10 से 10 कट जाएगा, 2 के पारे से आता है 5×5=10 और 2 के पारे से 8 आता है 4, फिर 4 का भाग पूरा दे देंगे इसमें, या 2 से काट लो 2 बार, 2 से इसको काटेंगे 2×6=12, 2×7=14, 2×5=15 और 0, फिर 2×1=2 और 2 के पारे से काटेंगे 2×3=6, 2×7=14 और 5, इसको आप गुणा कर लेंगे 5×33=75, गुणा कर लो 33-75 को 5 से गुणा कर लेंगे 25, 2×5=35, 2×37=3, 3×15=3, 18 + 1=15=16, तो ये आपके 16,875 रुपए आ गए। तो ये यानी वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है वो हमने निकाल दी, वॉशिंग मशीन हमारे है वो 16,875 रुपए में आई, कितने रुपए में आई है, 16,875 रुपए में आएगी। ठीक है, तो आपको देखा विक्रय मूल्य दे रखा था, हानि दे रखी थी और हमने इसका क्रय मूल्य निकाली, तो ये वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य है वो इतने रुपए में है, तभी हमें हानि हुई है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपकी ये है। देखो चाक पाउडर में कैल्शियम, चाक पाउडर दे रहे, चौक दे रखी है आपने, चौक पाउडर के अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा अनुपात दे रखा है, यानी क्या दे रखा है अनुपात,
अनुपात आपको दे रखा है 10:3:12, ये दे रखा है आपको, ठीक है 10:3:12 दे रखा है, तो अनुपातों का योग कर लेंगे। कर लो 10+3+12 जोड़ लो, 10 और 3 13, 13 12 25 आ जाएगा, जोड़ लिया। अब हमें फर्स्ट पार्ट ये पूछा गया है कि चौक की एक जो छड़ी है, यानी एक चौक जो होती है उसमें आपको देखो एक चौक की छड़ी में कार्बन की मात्रा 3 ग्राम दे रखी, कार्बन कितना दे रखा है 3 ग्राम दे रखा है, तो कुल भार कितना होगा, नहीं सॉरी 10, तो कार्बन की प्रतिशत निकालने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो कार्बन के प्रतिशत निकालने, कार्बन का प्रतिशत, तो कार्बन का प्रतिशत निकालना है, तो कार्बन का अनुपात देखो ये पहला हमारा दे रखा है कैल्शियम का, दूसरा है कार्बन का, और तीसरा है वो हमारा ऑक्सीजन, तो कार्बन का 3 दे रखा है, तो 3 ऊपर लिखेंगे 25 नीचे लिख देंगे और इनटू में कर देंगे आप 100, 25 के पारे से 100 कट जाए, 25 के पारे में 100 चार बार, 3 को 4 से गुणा कर देंगे 12% आ जाएगा, यानी हमारे क्या है इसमें 12% है वो कार्बन है, प्रतिशत पूछा गया था कि कार्बन का कितना प्रतिशत है, तो वो है हमारा वो 12% है, क्लियर हो गया। अब आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका देखिए, सेकंड पार्ट में आपको ये निकालना है कि चौक की छड़ी में कार्बन की मात्रा 3 ग्राम, कार्बन की मात्रा 3 ग्राम दे रखी है, ठीक है, तो उसका कुल भार कितना होगा, कार्बन 3 ग्राम है, ठीक है, तो कुल भार निकालना है, तो कुल भार में केवल आपको इतना ही करना है, ये सबको जोड़ दो, कुल भार क्या होगा, ये होगा 10+3+12 जोड़ दो कितना आ गया 25 ग्राम, यानी कार्बन की यानी एक हमारी चौंक होती है उसका कुल भार इतना 25 ग्राम की एक चौंक होगी, कितने ग्राम की होगी 25 ग्राम की होगी, जिसमें कार्बन आपके सॉरी कैल्शियम 10 ग्राम होगा, कार्बन 3 ग्राम होगा और ऑक्सीजन है वो 12 होगी, ठीक है, तो ये टोटल ग्राम कितना हो गया, चौंक की एक छड़ी का वजन होगा, एक छड़ी का वजन निकाला हमने, ठीक है 25 ग्राम आया, ठीक है क्लियर हो गया। आपके क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट करा दिए, ठीक है। अब आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको, देखो अमीना एक पुस्तक 275 रुपए में खरीद कर, अमीना ने एक पुस्तक खरीदी है 275 रुपए में, ठीक है, और 15% हानि से बेचती है और हानि उसको 15% की हुई है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दे रखा है, यानी क्रय मूल्य आपको दे रखा है, पुस्तक का क्रय मूल्य ₹275, ठीक है, हानि आपको दे रखी है, हानि आपको दे रखी है 15%, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना सीधा सा है, सीधा सा निकाल लो इसका, विक्रय मूल्य लिख लो 275 का 15%, 275 लिख देंगे इंटू 15/100 कर देंगे, ठीक है 15/100 कर लिया, 5 के पाड़े में आता है, 5 के पाड़े में 3 बार, 5 के पाड़े में 20 बार आपको बता ही रखा है, अब ये दोनों 5 के पाड़े में आते हैं, तो 5 से काट दो, 5 के पाड़े से 4 बार, 5 के पाड़े में ये कट जाएगा 5 25 2 25 55 बार, 55 इंटू 3/4
55 को 3 से गुणा कर देंगे, 5 से 15 पांच से लगी 1 और 15 16 165 बटे 4, 165 में 4 का भाग दे देंगे। देखो 165 में भाग दे रहे 4 का, 4 चौक 16, 5 बचा, 4 एकम 4, 1 पॉइंट लग गया 0, 4 दूनी 8, 2 0 5, यानी 41 पॉइंट। इसका आंसर है 41.25 रुपए। ये इतने रुपए की आपके हानि हुई है, कितने रुपए की हानि हुई है, इतने रुपए की हानि हुई है। पुस्तक खरीदी इतने में, बेच दी हानि से, तो ये इतने रुपए है। तो आपको विक्रय मूल्य पूछा है, तो ये हानि हुई है, तो आपको इस क्रय मूल्य में से माइनस करेंगे तब जाके विक्रय मूल्य है, क्योंकि आपने इतने रुपए में खरीदी बेची, 15 पैसा हानि में, कम में बेच दी, तो इसको मैं इतने रुपए की हानि, यानी 41.25 रुपए की हानि हुई है। तो हानि नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। तो 41 रुपए की हानि विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं, हम विक्रय मूल्य लिख देंगे। पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य आपके है कितना है, 275 माइनस 41.25, 275 में से माइनस कर देते हैं, पॉइंट लगा के 0-0 कर लो, इसमें से 41.25 माइनस कर देंगे, 10 बन गया, 10 में से 5 गए 5, 9, 9 में से 2 गए 7, 5, 4, 4 में से 1 गया 3, और 7 में से 4 गए 3 और 2, 233.75 आएगा। कितना आएगा, 233.75। ये इतने रुपए के विक्रय मूल्य, यानी पुस्तक का विक्रय मूल्य है वो ये होगा आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करवा दिया मैंने, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सूत्र मैंने आपको सब पहले लिखा दिए हैं, देखो सूत्र मैंने, अब आपके क्वेश्चन चेंज हो गए मूलधन वाले, तो मूलधन वाले सूत्र मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में लिखा चुका हूं, फार्मूले सबके आपकी कॉपी में लिखे हुए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा, यानी मिश्रधन निकालना है। मूलधन आपको दे रखा है 1200 रुपए, दर आपको दे रखी है और मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन निकालना है आपको। तो मैंने सूत्र जो बताए वही लगाने आपको, तो मैं जो जो चीज है वो लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका पहला पार्ट कर रहा हूं ए, ठीक है, तो ए में आपको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन लिख लेंगे आप 1200 रुपए, ठीक है, दर आपको दे रखी है 12% वार्षिक, दर आपको दे रखी है 12% वार्षिक दे रखी है। समय आपको दोनों क्वेश्चन के लिए स्टार्टिंग में दे दिया कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद का निकाल, तो समय 3 वर्ष दे दिया, ठीक है, तीनों चीजें मिल गई आपको। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, तो साधारण ब्याज का मैंने सूत्र आपको लिखाया था, ये साधारण ब्याज का सूत्र मैंने लिखाया था P × R × T, हिंदी में लिखाया था, हिंदी में लिख देता हूं मैं, ये लिखाया था मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। ये सूत्र आपको मैंने साधारण ब्याज का लिखाया था, तो सूत्र लगा देते हैं, मूलधन की जगह कर देंगे 1200 रुपए, दर की जगह करेंगे 12% और समय कर देंगे 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 को 12 से कर देंगे 12 × 12 × 3,
12 को 12 से करेंगे 144 होता है, 144 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 144 को 3 से गुणा कर दो, 3 चौक 12 के दुआ आंसर के 3 में 6 दुआ आंसर लगे, 3 चौक 12 एक तरह 3 आंसर लग जाएगी, 3 अरे 432 आ जाएगा। ये हमारा साधारण ब्याज दर है, क्या आ गया साधारण ब्याज। और मिश्र दर निकालने का मैंने आपको सूत्र लिखा रखा है, मिश्र दर बराबर होता है मूलधन प्लस मिश्र दर। क्या होता है जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं वो तो हमारा मूलधन है, हमने लिया और कितने प्रतिशत दर से लिया वो हो गया समय हो गया, अब हमें उसको पैसा देना है जो हम दे रहे हैं किसी से उधार लिए पैसे को, उसको बोला जाता है मिश्र दर। तो मिश्र दर का सूत्र मैं ऊपर लिख रहा हूं, मिश्र दर में जुड़ जाएगा तो मिश्र दर बराबर आपके आ जाएगा बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन आपके है 1200 रुपए, साधारण ब्याज हमने निकाली 432 रुपए, दोनों को जोड़ दो 12 में 4 जुड़ जाएगा 1632 रुपए, यानी मिश्र धन, यानी हमें इतना धन वापस लौटाना पड़ेगा जो हमने लिया है उसका इतना धन वापस लौटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 9 का ए पार्ट किया हमने, 90 का ए पार्ट हुआ है, अब 90 का बी पार्ट देखिए। वो भी ऐसे कैसे ही है लेकिन मैं करके बता देता हूं, केला आप अपने घर पे प्रैक्टिस करो इसकी। बी पार्ट में आपको दे रखा है, देखो मूलधन दिया हुआ है तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, मूलधन को आप देखो मूलधन दे रखा 7500 रुपए। ठीक है, दर वही है, दर दे रखी इसमें 5%, समय वही दे रखा है, दोनों का समय एक ही फिक्स था 3 वर्ष, तो वही साधारण ब्याज वाला सूत्र लग जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, मूलधन की जगह 7500 रुपए कर देंगे, दर की जगह 5% कर देंगे और समय कर देंगे 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 75 × 5 × 3 गुणा कर लो, 75 को 5 से कर देंगे, पहले 5 से गुणा करेंगे 75 को, 25 का 5 × 2 5 × 35 = 37, 375 आया, और 375 को 3 से कर दो गुणा, 3 × 15 21 कर दूंगा, आंसर लगे 3 × 9 = 11, ये आ गए 1125 रुपए, ये ब्याज के लगेंगे हमारे, यानी साधारण ब्याज क्या है 1125 रुपए। ठीक है, अब मिश्र दर निकालना आपको, तो मिश्र दर का सूत्र मैंने अभी बताया था आपको, मिश्र दर बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन की जगह कर देंगे हम, मूलधन हमारा 7500 रुपए और साधारण ब्याज 1125 रुपए, इन दोनों को जोड़ देंगे 25 × 5 = 6 और 8, यानी ये आ जाएगा कितना 8625 रुपए हमारे आज देने पड़ेंगे, यानी मिश्र दर के रूप में हमें इतने रुपए अधिक देने पड़ेंगे, यानी 1125 रुपए आपके ज्यादा है, इतना धन था इसमें ये जोड़ देंगे 1125, तो 8625 रुपए आपको वापस देने हैं लौटाने हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में 9 के ए और बी हो गए, अब इसके 2 क्वेश्चन और है वो आपको नेक्स्ट भेज दिए जाएंगे, उसके बाद में हो सकता है उसमें इंक्लूड करके नया चैप्टर और डाल दिया जाए। ठीक है, तो आपको ये काम पूरा पूरा करना है, आपको वीडियो भेज रहे हैं तो आपको होमवर्क उतारना है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है, क्योंकि आपका आगे कब तक चलेगा ऑनलाइन क्लास, इसलिए ध्यान रखना, आपको पढ़ाई करनी है, जैसे स्कूल खुलेगी वैसे ही टेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आपको फोकस करना है कि सारी चीज हम प्रॉपर उतार लें
और नोट डाउन कर ले, ठीक है ना। हाँ, ये जो और काम साथ के साथ उतारना, ये नहीं कि काम ही किया हमने सर, काम आपको सबको करना है, ठीक है। थैंक यू।